लाइट्स कैमरा एक्शन, ये तीनों वर्ड्स हम सभी ने सुने हैं, हमेशा शूटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है लाइटिंग, उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। हमारा प्रोडक्ट है एक LED लाइटिंग जो शूटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीतीश लाल, आपका शॉपर्स गाइड, और आज मैं आप सभी लोगों के लिए जो भी ऑनलाइन वीडियो बनाते हैं, वीडियो क्रिएटर्स हैं, उनके लिए जो लाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए मैं एक LED लाइट लेके आया हूँ, और इस लाइट को मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये लाइट मैंने लिया था आज से तकरीबन 3 साल पहले, सोनिया का B4DX, और ये एक बहुत पावरफुल लाइट है, और ये 1000 वॉट की लाइट है। ओके, जिस लाइट से अभी मैं शूट कर रहा हूँ, ये वही लाइट है, और पिछले 3 सालों से इस लाइट को मैं यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी पावरफुल लाइट है, और इसको हैलोजन बल्ब इसके अंदर लगता है, दिस इज़ नॉट अ LED लाइट। और इसकी अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप आई पे क्लिक करके इसकी पूरी अनबॉक्सिंग देख सकते हैं। मैंने अमेज़ॉन पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को देखा और कोशिश की कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मिल जाए जिससे कि मैं कंटिन्यूस शूट कर सकूं, बिकॉज़ मुझे ज़्यादा देर तक शूटिंग की लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। थोड़ा लॉन्ग शूटिंग होने के चलते ऐसा नहीं हो कि मतलब आपकी जो लाइट आपने लगाई है वो एग्जॉस्ट हो जाए, उसका बैटरी डेड हो जाए। और जितने भी ऐसे LEDs देखे मैंने जो बैटरी ऑपरेटेड थे, कितने भी उसके पावर रहने दीजिए, बट उसमें जो लोगों का फीडबैक था कि इट ड्राइज अप आफ्टर 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, मतलब 30 मिनट 40 मिनट के बाद अंदर वो बैटरी ड्राई अप हो जाती है, और अगेन उसको रिचार्ज करना पड़ेगा। सो इन दैट सिनेरियो आपका जो वीडियो आप शूट कर रहे हो उसमें आपको ब्रेक लग जाएगी, हॉल्ट हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता था। इसलिए मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट मिला जो काफ़ी सर्च करने पे मुझे देखा मैंने कि एक कंटिन्यूस लाइट देने वाला, कंटिन्यूस पावर सोर्स से आपके लाइन से कनेक्टेड एक मिल गया मुझे, जिस तरीके के से ये डिवाइस है, ये लाइट है, उस तरीके से मुझे एक डिवाइस मिला जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये कैमरा लाइट ये है जो 240 LEDs है इसके अंदर, और ये 11 इंच का है, तो साइज़ भी काफ़ी अच्छी है, और इसकी जो प्राइस रेंज है वो तकरीबन 2000 रुपये के अंदर है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक लाइट मेरे लिए, मेरे रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकता है, और मैंने इस लाइट को परचेज़ किया है। तो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ इस लाइट की डिटेल्स, और अनबॉक्स करके आपके साथ बताना चाहता हूँ आपको कि किस तरीके से किसी भी वीडियो क्रिएटर के लिए ये लाइट एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइटिंग होगा उनके वीडियोस के लिए, उनके वीडियोस को प्रोमिनेंट और ब्राइट बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं, करते हैं अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स, ये है वो लाइट का ब्रांड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कैमरा लाइट इसका नाम है। ये किसी ब्रांड के अंतर्गत नहीं आता है, ये एक चाइनीज़ मेड है, मेड इन चाइना है, लेकिन इसको अमेज़ॉन में अलग अलग सेलर्स अलग अलग अपने अपने ब्रांड के अंदर बेचते हैं। इसका मॉडल है MM240, ये आपका मॉडल है 240, इसका मॉडल नंबर इसलिए क्योंकि इसके अंदर 240 LEDs हैं। ओके, और इसका 8K लाइट है, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉक्स पे 8K। ओके, और इसकी जो इसका जो मॉडल, ये आपको जो इनपुट है वो 100 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट तक, जो आपकी नॉर्मल घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। CCT जो इसका कलर टेम्परेचर है वो 2900 से लेकर के 5700 के तक है। इसका मतलब 2900 के जो है वो आपका जो वार्म वाइट है, और जो आपका कूल वाइट है वो 5700 के तक है। ओके, और साइज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 11 इंच का है। तो चलिए देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या है, और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। पैकिंग बहुत अच्छी है, मतलब वेरी नीट एंड क्लीन पैकेजिंग इस प्रोडक्ट की गई है। ये आपका बॉक्स है जो आपका लाइट LED है, यहाँ पे इसकी रिमोट है, और ये रिमोट से ये कंट्रोल कर सकते हैं आप, जो अभी तक मेरी किसी भी लाइट में फैसिलिटी ये नहीं थी। ये इसकी वायरिंग है, साथ में बैटरी आता है, और इसके साथ में आता है
ये इसका होल्डर जो आपके ट्राईपॉड पे कनेक्ट होगा। ओके, तो इसको निकाल करके देखते हैं कि कैसा है ये लाइट। ओके, लुक्स वेरी गुड। अच्छा, इसके साथ में एक ये ट्राईपॉड भी है, आई विल शो इट टू यू। तो बेसिकली ये लाइट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट, इसके ऊपर स्टिकर रखा हुआ है। तो बेसिकली ये एक टेस्टेड डिवाइस है। ये देखिए, यहाँ पे इसका आपको मैं फ्रंट दिखाता हूँ। पीछे में इसके ग्रिल्स हैं जो आपके हीट को एमिट करेंगे यहाँ पे, और ये इसका कॉर्ड यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है। आप इसको डिटैच नहीं कर सकते, डिटैचेबल कॉर्ड नहीं है ये, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है कॉर्ड। ओके, तो ये आपके हीट निकलने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग की हुई है, कैमरा लाइट और जो डिटेल्स मैंने आपको बताए हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके पीछे। उसके बाद इसमें दो तरह से आप इसको माउंट कर सकते हैं। इसमें ये देख सकते हैं आप, एक माउंटिंग यहाँ पे है, यानी कि अगर लाइट को आपको ऐसे माउंट करना है ट्राईपॉड पे, तो इस तरीके से माउंट कर सकते हैं, या नहीं तो आप इसको हॉरिजॉन्टली भी माउंट कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे दो आपके माउंटिंग होल्स दिए हुए हैं, जो नॉर्मल आपके ट्राईपॉड की जो स्क्रूइंग होती है उसके लिए ये होता है। ओके, अब इसमें आप अगर देखेंगे तो ये कॉर्ड काफ़ी लंबी दिख रही है मुझे, मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। काफ़ी लंबी कॉर्ड है, और इसमें एक साथ में ऑन ऑफ का भी स्विच लगा हुआ है। ओके, तो लेट्स सी क्या है ये। ओके, तो ये कॉर्ड आप देख सकते हैं, लंबी कॉर्ड है, आई थिंक 1.5 मीटर के आसपास की ये कॉर्ड होगी, काफ़ी लंबी कॉर्ड है। और साथ में यहाँ पे एक किटकैट स्विच है, ये ऑन ऑफ स्विच है इसको कनेक्ट ऑन ऑफ करने के लिए। हालांकि आप इसको कनेक्ट, इसका पूरा जो फीचर है ये आप अपने इसके बैटरी से, इसके रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी ये इसके साथ में एक ट्राईपॉड भी दिया हुआ है, पूरी मेटल बॉडी का ये ट्राईपॉड है, और इस तरीके से ये ऑपरेशनल रहेगा। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट फीचर फोटोग्राफी करनी है, तो इस तरीके से आप इसको रख करके और यहाँ पे आप इसको स्क्रूइंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से ये माउंट हो गया, और ये आपका प्रोडक्ट इस तरीके से माउंट हो जाता है। आपको जितनी हाइट पे रखनी है उस तरीके से आप इसको ट्राईपॉड को आप उस हाइट के लेवल पे आप उसको कर सकते हैं। अभी ये हाइट पे आ गया, और इस तरीके से आप इसको माउंट करके, ये मैंने अभी वर्टिकली माउंट किया है, आप इसको हॉरिजॉन्टल भी माउंट कर सकते हैं। ओके, तो ये आप किसी भी एंगल पे इसको टर्न कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसका रिमोट जो है, जो इसके फीचर, वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे मैं बैठा हूँ और मुझे लाइट को कंट्रोल करना है, तो अभी मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, जो अपने वो फुल स्ट्रेंथ पे चल रहा है वो फुल स्ट्रेंथ पे चलता रहेगा। लेकिन अब इस सिचुएशन में मैं अपने लाइट को इस रिमोट से कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके, तो ये देख लीजिए, रिमोट काफ़ी अच्छा है, और इसको मैं बैटरी लगा देता हूँ साथ साथ में। एंड इसके साथ जो मैंने आपको बताया कि ये एक, ये मुझे एक इसका इसका ये माउंट मिला है, जिसको ब्रैकेट कहते हैं या माउंट कहते हैं इसको। लेट्स ओपन दिस। ये आप किसी भी अपने ट्राईपॉड पे इसको लगा सकते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से इसका माउंट है, पैकेज काफ़ी अच्छी है। ये देखिए, इस तरीके से माउंट है, और ये इसके ऊपर आपका ये माउंटिंग हो जाएगा, और यहाँ पे ये 360 डिग्री आपका रोटेशन है। तो इस तरीके से आप 360 डिग्री इसको माउंट को लगा करके रोटेशन कर सकते हैं, और साथ में इसको अगर लॉक करना है तो यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। ये वाला पार्ट आपका चला जाएगा इसके अंदर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे के दिखा देता हूँ किस तरीके से किया जा सकता है, सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाए। अभी ये मैंने डायरेक्टली इसको माउंट किया हुआ था, तो मैं इसको एंगल पे, किसी दूसरे एंगल पे इसको बेंड नहीं कर सकता हूँ। बट अगर अब मैं इस माउंट को यूज़ करता हूँ, तो इस माउंट को यूज़ करने के बाद ये देखिए, इस तरीके से इसको माउंट करना है, ये पार्ट ऊपर रहेगा, और इस तरीके से इसको आप माउंटिंग कर सकते हैं। ये टाइट हो गया, अब ये 360 घूमने के लिए इसको आपको लूज़ करना पड़ेगा, ये 360 घूम सकता है, इसमें आपको इसको माउंट करना है। अभी मैं इसको हॉरिजॉन्टली माउंट कर देता हूँ,
ये इस तरीके से आप देख सकते हो कि अभी मैंने इसको माउंट कर दिया है और एक स्पेसिफिक एंगल पे इसको दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 360 डिग्री एंगल पे आप इसको रोटेट कर सकते हो। यहाँ पीछे की की है, इस की से आप इसको अगर हटा देते हो, लूज़ करते हो, तो आप जिस एंगल पे इसको फिक्स करना चाहो उस एंगल पे, अगर आपको शूट करनी है किसी प्रोडक्ट को तो इस तरीके से इस एंगल पे रख के आप इसको प्रोडक्ट को शूट कर सकते हो। अगर आपको इसको थोड़ा ऊपर टिल्ट करना है इस एंगल पे तो यहाँ पे भी आप इसको रख सकते हो। इस तरीके से ये किसी भी एंगल पे माउंट किया जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस हेड। ओके, अभी मैंने इसको अपने मेन से कनेक्ट कर दिया है, यानी डायरेक्टली टू शो यू कि किस तरीके से ये फंक्शन करता है। ओके, अभी ये अपने किटकैट वाले बटन से यहाँ से ऑफ है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ये आप इसकी लाइट ऑन हो गई है जो कूल लाइट है। ओके, जैसा कि मैंने बताया इसमें आपको वार्म वाइट से लेकर के कूल वाइट तक दोनों ही तरह के इसमें आपको मिल जाएंगे लाइट्स। ओके, जो मेरे अभी के एग्जिस्टिंग जो लाइट है मेरी, जो सोनिया की ये जो लाइट है, इसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर्स चेंज कर सकते हैं, वो इस लाइट में आप कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आप इस किटकैट स्विच से, नॉर्मल किटकैट स्विच नहीं है, इस स्विच से आप जितनी बार ऑन ऑफ करेंगे इस लाइट की शेड चेंज होती है। जैसे कि मैंने अभी अगर ऑन किया है तो ये आपका कूल वाइट है, ऑफ करके दोबारा मैं ऑन करूँगा तो ये वार्म वाइट है, फिर ऑफ करके फिर ऑन करूँगा तो ये कूल वाइट है। तो इस तरीके से आप ये देखिए, ये डिम लाइट पे आ गया अभी नाइट मोड में। तो इस तरीके से ये तीनों मोड्स इसके लाइट के सिर्फ किटकैट से हैंडल हो सकते हैं, अगर आपको यहाँ से मैनुअली हैंडल करना है। अगर आपको इसको रिमोट से हैंडल करना है तो रिमोट भी आपको इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, रिमोट को इसको हैंडल करने के लिए। अभी रिमोट का सेंसर इसके पीछे है, तो जिस तरीके से ऑफ़ करना है या ऑन करना है, ये देखिए इस तरीके से ऑफ़ हो गया। ये जो इस रिमोट का बटन ऑफ़ है, वापस मुझे ऑन करना है तो इसको मैं ऑन कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से ये, अगर रिमोट की जो सेंसर है, जैसे हमारे रिमोट में सेंसर होता है उसी तरीके से यहाँ पे बैक साइड में सेंसर है, तो आपको इसको पॉइंट करके बेसिकली मारना पड़ेगा। रिमोट को आपको पॉइंट करके उसको फंक्शन देना पड़ेगा। ओके, अभी इसमें टेम्परेचर, ब्राइटनेस और कम और ज़्यादा है, तो आप उसको ब्राइट, कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, ये आपका ब्राइटनेस कम होता चला जा रहा है, आप देख रहे हो ये ब्राइटनेस बिल्कुल कम हो गया, और आपका पॉजिटिव अगर आप उसको बढ़ाओगे तो ये पूरी फुल ब्राइटनेस पे आ जाएगा। जो फुल ब्राइटनेस है इसका 5700K है कूल वाइट का। ओके, उसी तरीके से अगर आप इसको मोड चेंज करना चाहते हैं तो ये देखिए, अभी रिमोट से जो मैंने स्विच से चेंज किया था, ये मोड अभी यहाँ से चेंज हो गया है, ये वार्म वाइट हो गया है, ये अभी कूल वाइट हो गया इस तरीके से, और ये आपका अनदर कूल वाइट का अनदर सेगमेंट है ये। ओके, तो इस तरीके से ये रिमोट से पूरी तरीके से ये फंक्शन होता है। और ये देखिए लाइट्स इसके, अभी ये नाइट मोड में चला गया, नाइट मोड में बहुत कम रोशनी देगा ये आपको, बिल्कुल सॉफ्ट, एकदम बिल्कुल यूज़ करना है तो ये सॉफ्ट यूज़ कर सकते हैं। और ये ऑफ़ हो गया, अभी इसको वापस से पावर ऑन करना है, नाइट मोड से बाहर लाने के लिए आपको इसकी रोशनी बढ़ानी पड़ेगी इस तरीके से। ओके, और इसको अगर आपको वार्म करना है तो ये आपका सीटी माइनस, यहाँ पे एक ऑप्शन है, सीटी माइनस को आप करेंगे तो ये आपका जो वार्म वाइट की तरफ चला जाएगा इसका टेम्परेचर, ये देखिए वार्म वाइट की तरफ चला गया है। अगर आपको इसी को थोड़ा कूल वाइट की तरफ लेके जाना है तो ये आपको कूल वाइट की तरफ जाएगा धीरे धीरे करके, तो आप जितनी बार प्रेस करोगे उतनी बार वो कूल वाइट की तरफ जाएगा। तो इसकी फंक्शनैलिटी ऐसी है कि अगर आपको डायरेक्टली चाहिए तो डायरेक्टली ये चेंज होगा। ओके, और अगर आपको एक रेंज चाहिए, आपको थोड़ा 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 करके अगर एक रेंज चाहिए कि ये शेड मुझे देना है फेस के ऊपर, तो उस शेड पे आप इसको दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस लाइट में आपको ज़्यादा आँखों को तकलीफ ना हो, उसके लिए आप इसको
डिम शेड पे भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने इसको डिम शेड पे यूज़ करने के लिए चेंज किया है। ओके, अब इस तरीके से ये आपका डिम में चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपको सिलेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए लाइट हो गया, अब ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अगेन चेंजेस हो गए हैं। ओके, ये वार्म वाइट हो गया है, ये कूल वाइट हो गया है। और अगर कूल टू वार्म की तरफ जाना है तो ये आपको सेंसर्स को यहाँ पे पॉइंट करके, और ये देखिए अभी ये मेरा फेस आपको वार्म वाइट की तरफ दिखेगा। ओके, तो आप पूरा इसमें अपने कंट्रोल्स को इस रिमोट से यूज़ कर सकते हैं। और इतनी अच्छी फैसिलिटी एक लाइट को कंट्रोल करने के लिए एक रिमोट से, दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस फीचर फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। जितनी तरीके से मैं इसकी तारीफ़ करूँ वो कम है। कितना लॉन्गजिविटी ये चलेगा ये तो यूज़ करने के बाद ही मालूम चलेगा। जैसे अभी ये लाइट जो मैंने यूज़ किया ये पिछले 3 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। तो जिस तरीके से ये प्रोडक्ट है और जो इसके फीचर्स हैं, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, जो इसके फीचर्स हैं वो मुझे जितने अच्छे लगे, होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फीचर्स बहुत अच्छे लगे हों और आपके वीडियो के लिए ये बहुत ही अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट है। तो जैसे आप लोग रिंग लाइट्स कई लोग यूज़ करते हैं, तो ये रिंग लाइट से ज़्यादा पावरफुल लाइट है और इसमें फीचर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ वार्म और कूल के अलावा आपको पूरी रेंज में आप उसकी लाइट्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इट इज़ नॉट ओनली जस्ट वार्म वाइट एंड कूल वाइट, आप उसमें वार्म टू कूल या कूल टू वार्म में आप इस रिमोट से उसको सेट कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, कितनी लाइट की आपको ज़रूरत है। ओके, सो गाइस, अगर आपको मेरी ये प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव मी अ लाइक। इस प्रोडक्ट का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके वहाँ से अमेज़ॉन से परचेज कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई हैव स्टार्टेड डूइंग व्लॉगिंग ऑल्सो फॉर पुणे एरिया। सो इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड इन डूइंग व्लॉगिंग फॉर हिज बिजनेस, then just you know, give me a call on the number given on the screen, 9112240456, and it is also written in the description. Okay guys, so agar aapne abhi tak mere is channel ko subscribe nahi kiya hai to please go and subscribe, aur bell button ko zarur click kijiye aur wahan pe all ko option ko select kar dijiye taki aane wale sare videos aap mujhe mere is video ko dekh sake. Okay, thank you very much guys, till next video, bye bye, take care, namaskar.